हम लोग आज विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में मित्र? तो विभाज्यता के नियम के बारे में शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे कि कोई अगर संख्या दिया हुआ रहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, तो हम कैसे पकड़ लेंगे या कैसे जानेंगे कि यह दो से, तीन से, चार से, पांच से या दस से या ग्यारह से क्या है, विभाज्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे दो से विभाज्यता। किससे सर? दो से विभाज्यता, डिविजिबल बाय टू। तो जरा आगे देखिएगा, दो से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या के कोई भी अगर संख्या रहता है तो उसका लास्ट डिजिट, लास्ट अंक जो होता है, लास्ट अंक या तो जीरो हो या तो सम संख्या हो। क्या हो सर? सम संख्या हो। जरा ध्यान दीजिएगा सर, दो से विभाज्यता होने के लिए अगर किसी संख्या के लास्ट अंक, अंतिम अंक या जीरो हो या सम संख्या हो, या जीरो हो या सम संख्या हो, तो वो दो से डिविजिबल होगा, दो से विभाज्य होगा। मान लीजिए ए बी सी डी हम ले लेते हैं एक संख्या, और यहां एक्स भी है। ए बी सी डी एक्स कोई संख्या है और इसका लास्ट का डिजिट जो है, अंक है, अगर जीरो है या सम संख्या है, जीरो है या क्या है, सम संख्या, तो ये जो पूरा संख्या होगा वो दो से डिविजिबल होगा, मतलब दो से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं बहुत सारा, मान लीजिए दो, तीन, पांच, सात और यहां जीरो आ गया, तो ये एक संख्या है, तो इसका अंतिम, इधर नहीं इधर, इसका अंतिम में देखिए, अंतिम अंक क्या जीरो या सम संख्या है? जीरो या सम संख्या है, तो हां जीरो है, इसलिए यह पूरा संख्या दो से विभाज्य होगा, यह पूरा संख्या दो से विभाज्य होगा। दूसरा नंबर जरा देखिएगा, दो, तीन, चार, पांच, छह, अंतिम अंक को पकड़ना है। कौन अंक को? अंतिम अंक को। अंतिम अगर अंक या तो जीरो हो या तो सम संख्या हो, या तो जीरो हो या तो कौन संख्या, सम संख्या हो, तो ये दो से विभाज्य होगा। तो देखिए, छह कौन सी संख्या है? सम संख्या है। मतलब सम संख्या मतलब जानते हैं आप, दो, चार, छह, आठ, दस, ये सब संख्या रहेगा, तो ये कौन सी संख्या हो गया? सम संख्या। तो ये भी संख्या है जो दो से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, दो, तीन, पांच, छह और दो, तो इसका अंतिम अंक दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है, मतलब कि सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो ये भी दो से क्या होगा? विभाज्य होगा। चौथा नंबर देखेंगे मित्र, कौन नंबर? चौथा नंबर, पांच, छह, तीन और सात, तो लास्ट का अंक हमें पकड़ना है, तो लास्ट का अंक सम संख्या है, तो सम संख्या, सात सम संख्या नहीं है, इसलिए ये पूरे संख्या दो से विभाज्य नहीं होगा। पांचवा एग्जांपल हम लेते हैं सर, दो, तीन, पांच, सात और यहां ले लेते हैं हम छह, तो लास्ट का डिजिट पकड़ना है, लास्ट का अंक पकड़ना है, तो लास्ट का अंक आप देखिए सम संख्या है, कौन सी संख्या? सम संख्या, इसलिए यह पूरा संख्या जो होगा यह दो से डिविजिबल होगा। और हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं सर, मान लीजिए आप कि दो, तीन, पांच, सात, एक रहे, तो लास्ट डिजिट सम संख्या है, नहीं विषम संख्या है, इसलिए ये दो से डिविजिबल नहीं होगा। आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप पकड़िए, मतलब बताइए कि ये दो से विभाज्य है कि नहीं। एक, तीन, पांच, सात, दो, तीन, पांच, सात, आठ और यहां लीजिए सात, आठ, तीन, जीरो और दो, तीन, सात, पांच, एक, तीन, चार, पांच, फोर, थ्री, वन, वन, थ्री, फोर, ये सब संख्या को बताना है आपको कि दो से डिविजिबल है कि नहीं। अब हम आगे जरा देखते हैं तीन से डिविजिबिलिटी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे ये तीन से विभाज्यता का नियम, डिविजिबल वाई कितना? थ्री। डिविजिबिलिटी वाई कितना? थ्री। तो जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, तीन से विभाज्य होने के लिए अगर कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है, तो संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर तीन से विभाज्य है, तीन से विभाज्य है,
तो वो अवश्य ही तीन से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा ये सभी संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा सर, यदि कोई संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाज्य है, मतलब तीन से कट जाना चाहिए, सभी अंकों का योग तीन से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, तो वो तीन से पूरी संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मान लीजिए ए बी सी और यहां डी कोई क्या है, संख्या है, और इसके सभी अंक ए बी सी डी को हम जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, और ये जो योगफल मेरा आएगा अगर ये तीन से क्या हो गया, कट गया, तीन से कट गया, तो ये पूरी संख्या तीन से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं 431 पहला एग्जांपल लिए हैं, आप समझ रहे होंगे 431 मतलब सभी अंक को जोड़ देना है, सभी अंक को, 437 437 और 18, क्या ये तीन से कटा, तो नहीं कटा, तीन से ये कटा, नहीं कटा, इसलिए ये तीन से विभाज्य नहीं होगा। दूसरा नंबर जरा देखिएगा, 1, 2, 3 और 5, तो सभी अंकों का योग करना है, सभी अंकों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, सबको जोड़ देंगे और देखेंगे वो तीन से कटता है कि नहीं, 5, 3, 8, 8, 2, 10 और 1, 11, तो ये भी नहीं कटा तीन से, इसका मतलब ये पूरे संख्या तीन से विभाज्य नहीं होगा। तीसरा नंबर जरा देखिएगा, 5, 1 और यहां कितना है सर, 3 है, तो इसे हम लोग जोड़ के देखेंगे सभी अंकों को, तो 5, 1, 6 और 6, 3, 9, तो 9 है जो तीन से क्या होता है, कट जाता है, इसलिए ये पूरे संख्या तीन से डिविजिबल होगा, तीन से विभाज्य होगा। चौथा नंबर जरा देखेंगे, यहां देखिए ये 642, ये देखना चाहते हैं कि तीन से विभाज्य है कि नहीं, 6, 4, 10, 2, 12, तो जोड़ने के बाद, सभी अंकों के जोड़ने के बाद 12 जो आया वो तीन से कटा, तो हाँ कट गया, तो कट गया, तो ये तीन से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। एक एग्जांपल हम और लेके बताते हैं, पांचवा नंबर आपको, 2, 1, 5, 7 और देखते हैं हम लोग कि, और 2 कि ये तीन से कटता है कि नहीं, तो 2, 1, 3 और 5, 3, 8 और 8, 7, 15 और 15, 2 कितना हो जाएगा सर, 15, 2 होता है 17, तो ये 17 हो गया, तो ये तीन से कटता नहीं है, इसलिए ये पूरे संख्या तीन से विभाज्य नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल हम देते हैं और आप करके देखिए कि ये डिविजिबल तीन से है कि नहीं। फर्स्ट नंबर हम आपको दे रहे हैं 2, 3, 5 और 7, दूसरा नंबर 2, 1, 5, 0, चौथा नंबर दे रहे हैं 7, 3, 1, पांचवा नंबर 2, 0, 0 और 1, पांचवा है पहला दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा नंबर सर देखिए आप 1, 2, 4, 3, ये सब संख्या को चेक करके बताना है कि तीन से विभाज्य है कि नहीं। तीन से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, तो सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग तीन से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, तब वो तीन से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाज्य के बारे में, डिविजिबल बाय 4। यदि किसी संख्या के लास्ट दो अंक, 4 से डिविजिबल होने के लिए जरा सुनिएगा, किसी संख्या के लास्ट दो डिजिट को पकड़ना है, दो अंक को पकड़ना है, दो अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो जो पूरा नंबर होगा 4 से डिविजिबल होगा। हम क्या बोले, संख्या के लास्ट कितना अंक, दो अंक 4 से क्या हो, डिविजिबल हो। किसी संख्या के लास्ट दो अंक 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट का दो डिजिट अगर हम ए बी सी डी लिए और ये लास्ट का दो डिजिट, संख्या के लास्ट का दो डिजिट अगर 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, अगर ये 4 से कट जाए या 4 से डिविजिबल हो जाए, तो ये पूरे संख्या 4 से विभाज्य होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में जरा देखिए, लास्ट
लास्ट का दो डिजिट पकड़ना है, किसी संख्या का लास्ट दो डिजिट। तो ये मेरा संख्या है और इसका लास्ट का दो डिजिट पकड़ लिए और देखेंगे कि ये चार से विभाज्य है कि नहीं। चार से कट जाता है तो चार सोलह से कट, सोलह चार से कट जाता है, चार चौक सोलह, तो ये पूरे संख्या चार से क्या होगा, विभाज्य होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट का दो डिजिट पकड़ना है तो ये लास्ट का दो डिजिट है और ये क्या चार से विभाज्य है, चार से कट जाता है तो चार से चालीस कटता है, दस बार में दस चौक चालीस, तो ये भी पूरे संख्या चार से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। लास्ट का दो डिजिट आपको पकड़ना है तो ये लास्ट का दो डिजिट है अठहत्तर और इसे चार से देखेंगे ये कटता है कि नहीं। तो चार एक बार में लगेगा, यहां चार और यहां तेरी और यहां एट और वहां नौ चौक छत्तीस होता है और यहां कटा और यहां दो बटा बचा। तो लास्ट का दो डिजिट चार से नहीं कटा, इसलिए ये संख्या चार से डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरे संख्या चार से पूर्णता विभाज्य नहीं होगा। इस संख्या का लास्ट का दो डिजिट देखते हैं तो 21 चार से कटता है क्या, तो नहीं कटता है, तो नहीं कटेगा, तो ये पूरे संख्या चार से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट का दो डिजिट पकड़िए तो इसे भी पकड़ेंगे। अब ऊपर वाला क्वेश्चन वीडियो रोक कर करने की कोशिश कीजिए, लास्ट का दो डिजिट तो यहां 35 है, 35 भी चार से नहीं कटता है, इसलिए पूरा संख्या चार से विभाज्य नहीं होगा। लास्ट का दो डिजिट तो जीरो का तो कोई अर्थ ही नहीं यहां पे हो रहा है, चार से कट जाएगा। लास्ट का दो डिजिट लिए, चार से कट गया, इसलिए ये पूरे संख्या चार से विभाज्य हो जाएगा। लास्ट का दो डिजिट पकड़िए और चार से कटेगा क्या, तो यस कट रहा है, तो ये पूरे संख्या चार से क्या होगा, विभाज्य होगा। चार से विभाज्य होने के लिए संख्या के लास्ट दो अंक चार से काटना है, चार से काटना है तो वो चार से क्या होगा, विभाज्य होगा। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, वीडियो रोक कर तुरंत करने की कोशिश कीजिए। 2 4 6 8 1 2 3 5 6 9 और 2 3 5 0 और 8 1 2 3 और 5 और 4 ये क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ देखिए 7 3 0 और यहाँ 60 है और 1 2 1 2 1 2 0 और यहाँ हम दे देते हैं 2 और 0। ये सब संख्या को आपको चेक करना है कि ये चार से विभाज्य है कि नहीं। लास्ट का दो डिजिट चार से विभाज्य होगा तो वह संख्या चार से पूर्णता क्या होगा, विभाज्य होगा। अब हम लोग जानेंगे पांच से डिविजिबल, पांच से विभाज्य होने का क्या नियम है। तो पांच से विभाज्य होने के लिए एक ट्रिक है छोटा सा, किसी भी संख्या का लास्ट अंक या तो जीरो हो या तो फाइव हो, लास्ट अंक क्या होना चाहिए, जीरो या फाइव, जीरो या फाइव, लास्ट अंक क्या होना चाहिए, किसी भी संख्या का लास्ट अंक जीरो या फाइव। तो अगर संख्या रहेगा, अगर कोई संख्या है और उसका लास्ट अंक, लास्ट डिजिट सर, लास्ट अंक या लास्ट डिजिट या तो जीरो होना चाहिए या तो पांच होना चाहिए, अगर ये दोनों में से कुछ भी है तो वो संख्या पांच से क्या हो जाएगा, तो विभाज्य हो जाएगा। संख्या के लास्ट के अंक जो है जीरो या पांच हो तो वो पांच से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल इधर है, हम लोग देखेंगे लास्ट नीचे से करेंगे, लास्ट का डिजिट क्या है तो जीरो है, तो जीरो या पांच हो तो वो पांच से विभाज्य होगा, तो ये पूरे संख्या पांच से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसका लास्ट अंक क्या है तो पांच है, तो ये पूरे संख्या पांच से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसका भी लास्ट अंक क्या है, फाइव है, ये भी पूरे संख्या पांच से क्या होगा, विभाज्य होगा। संख्या है और ये लास्ट अंक क्या है, फाइव है, तो ये भी पूरे संख्या पांच से क्या होगा, विभाज्य होगा। इस संख्या के लास्ट अंक क्या है, जीरो है, जीरो या फाइव होना चाहिए, तो जीरो है, तो ये पूरे संख्या पांच से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये संख्या को देखिए, लास्ट अंक वन है, या जीरो हो या फाइव हो तब ही पांच से विभाज्य होगा, लेकिन यहां वन आ गया, ना ही जीरो है और ना ही फाइव है, इसलिए यह संख्या पांच से
अविभाज्य नहीं होगा। इस संख्या को देखते हैं, ये एक संख्या है जिसका लास्ट अंक क्या है, लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए ये पूरे संख्या 5 से विभाज्य होगा। ये तो आपको दिख रहा है कि ये भी विभाज्य होगा। एक क्वेश्चन 4 3 1 4 1 और यहां है आपका 3, लास्ट डिजिट देखिए इसका क्या है सर, तो 3 है, तो 0 या 5 नहीं है, इसलिए यह पूरे संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट अंक या तो 0 या तो 5 हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 6 7 5 1 2 0 और यहां है 30 और 30, 55 55 60, ये बताना है ये सब संख्या का कि 5 से विभाज्य है कि नहीं। वीडियो रोक कर जल्दी आप कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। तब तक अब हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबल बाई 8। 8 से विभाज्य होने के लिए किसी संख्या का दो बात आवश्यक है, कितना बात मित्र, दो बात। पहला, वह संख्या 2 से भी विभाज्य हो और वह संख्या 4 से भी विभाज्य हो। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो और वही संख्या 4 से भी विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या अगर 2 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही 8 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट डिजिट, लास्ट अंक या तो 0 हो या तो सम संख्या हो, या तो सम संख्या हो, सम संख्या 2 4 6 8 ये सब होना चाहिए। और 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का दो डिजिट, लास्ट का दो डिजिट मतलब दो अंक कितना से कट जाए, 4 से कट जाए, तो वह 4 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 8 से विभाज्य होने के लिए संख्या दो चीज से कटना आवश्यक है, 2 से और 4 से। जो संख्या 2 से भी विभाज्य है और 4 से विभाज्य है, वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य होने के लिए आपको बता चुके हैं, 2 से विभाज्यता का नियम, या तो इकाई, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो सम संख्या हो। 4 से विभाज्यता के लिए लास्ट का दो अंक 4 से कट जाएगा। अब इतना हमें ध्यान नहीं देना है, अगर मान लीजिए ए बी सी डी मेरा कोई संख्या है, तो हमें कुछ नहीं करना है, दो बात ध्यान देना। पहला जो ये है, क्या ये सम संख्या है, अगर सम संख्या रहा या 0 रहा तो ये 2 से कट जाएगा, और उसके बाद ये दोनों को देखना है कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं। पहला 2 से कटना चाहिए और उसके बाद 2 को 4 से कटना चाहिए। हम अब इस एग्जांपल को करते हैं, तो सबसे पहला आपको लास्ट डिजिट देखना है कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 6 से कट जाता है, मतलब 6 200 कट जाता है, तो ये 2 से कट गया। अब दो डिजिट पकड़ना है इसे, पहला डिजिट पकड़ेंगे उसके बाद तुरंत 2 को, और देखेंगे कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 7 56, ये 56 है जो 4 से कट गया, इसका मतलब ये पूरे संख्या 8 से डिविजिबल होगा। डिविजिबली 8 से देखने के लिए 2 और 4 दोनों से कटना चाहिए, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहला डिजिट हमें पकड़ना है और देखना है कि ये 2 से कटा कि नहीं कटा। तो 2 से ये कट गया, अब हमें लास्ट का दो डिजिट देखना है, तो ये लास्ट का दो डिजिट 4 से कट रहा है कि नहीं, तो ये 4 से भी कट गया, इसलिए यह संख्या क्या होगा, 8 से भी पूर्णतः क्या होगा, कट जाएगा। नहीं तो हम चेक करके दिखा देते हैं, 304 और इसे 8 से आप डिवाइड कीजिए, तो ये होगा 8 3 24 और यहां पे ये हो जाएगा 10 और यहां 4 है, तो ये 6 और यहां 4 और यहां खत्म हो जाएगा। तो 8 8 कितना होता है, 64। देखें ना आप, ये पूरी तरह से क्या हो गया सर, कट गया। तो आगे जरा देखते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, ये अंक पकड़ना है और देखना है कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 2 से कटा, तो हां कट गया। उसके बाद तुरंत ये दो डिजिट देखना है कि ये जो 24 है 24 है, ये 4 से कट रहा है, तो हां 4 से भी कट रहा है, इसलिए ये पूरे संख्या 8 से डिविजिबल होगा, 8 से कटेगा। ये देखिए, पहला अंक को पकड़िए और देखिए ये 2 से कट रहा है, तो 2 7 2 से नहीं कट रहा है, तो पहला ही मेरा फेल हो गया कि 2 से नहीं कटा, इसलिए ये पूरे संख्या 8 से नहीं कटेगा। यहां जरा देखिए भाई,
पहला डिजिट, लास्ट का डिजिट आपको देखना है कि ये दो से कट रहा है कि नहीं, तो दो से कट गया। उसके बाद ये दोनों डिजिट को हमें चेक करना है कि 46 कटा कि नहीं कटा। तो ये चार से ये कटता है तो नहीं कटता है, 46 चार से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 8 से नहीं कटेगा। अब कितना आसान है कि पहला ले रहे हैं उसके बाद दूसरा, पहला को दो से और फिर दो लास्ट का दो डिजिट को किस से, चार से। पहला को किस से, दो से, और लास्ट का दो डिजिट को चार से। तो ये देखिए पहला डिजिट हम ये मतलब लास्ट डिजिट ले रहे हैं तो ये दो से कटा, तो ये दो से कट रहा है। अब ये 64 को देखना है कि चार से कट रहा है कि नहीं, तो चार से भी ये क्या हो रहा है, कट रहा है। इसलिए ये आठ से भी संख्या क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। लास्ट का दो क्या, ये लास्ट का फाइव ये जो डिजिट है ये दो से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, रूल फेल हो गया। इसलिए यहां पर यह पूरी संख्या आठ से विभाज्य नहीं होगा। अब देखते हैं ये दो से विभाज्य है तो दो विभाज्य होने के लिए लास्ट का डिजिट या तो जीरो हो या तो सम संख्या हो। तो यहां पे क्या आ गया मित्र, जीरो आ गया, इसलिए ये दो से क्या है, विभाज्य है। अब लास्ट का दो डिजिट हम लोग देखेंगे, लास्ट का कितना डिजिट, दो डिजिट देखेंगे तो ये क्या चार से विभाज्य है, तो 20 चार से कट जाता है, इसलिए ये पूरे संख्या आठ से भी पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। अब आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि लास्ट का अंक दो से कटना चाहिए और लास्ट का दो अंक चार से कटना चाहिए। अगर ऐसा संभव हो गया तो आठ से डिविजिबल होगा। हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं करने के लिए, आप वीडियो रोक के कीजिए लेकिन कीजिए जरूर। यहां देखिएगा 1 2 4 5 6 8 और यहां 7 2 0 9 0 ये है, 1 2 5 6 2 1 8 इसे करके देखिए। अगला क्वेश्चन लीजिए 5 2 7 0 0 9 9 0 8 5 7 0, ये सभी क्वेश्चन को आपको करके अभी तुरंत चेक करना है मित्र। हम लोग अब सीखेंगे 9 से डिविजिबल के बारे में, 9 से विभाज्य के बारे में। तो जरा ध्यान से सुनिए, 9 से विभाज्य होने के लिए किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है। 9 से पूरी तरह से कट जाए तो वो 9 से क्या होगा, विभाज्य हो जाए। फिर से जरा ध्यान दीजिएगा आप, हम क्या बोल रहे हैं कि 9 से विभाज्य होने के लिए किसी संख्या का या संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए तो वो 9 से विभाज्य हो जाएगा वह संख्या। हम बोल रहे हैं कि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है और इसके सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए या विभाज्य हो जाए तो वो संख्या, वो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाती है, तो विभाज्य हो जाती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, संख्या दिया हुआ रहेगा और सभी के अंकों का योग जोड़ देना है। जैसे मेरे पास ये देखिए एक संख्या है, ये एक संख्या है और इसे सबको जोड़ देंगे, अगर जोड़ने के बाद जो आएगा और 9 से कट जाएगा, क्या चीज से, 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो जोड़ते हैं, देखते देखिए जरा, 5 और 1 6 और 6 और 3 9, तो ये इसका योगफल 1 + 5 + 3 किए तो 9 आया और 9 तो 9 से कट ही जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 153 जो है ये 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। हमें संख्या के सभी अंकों का योग निकालना है तो फिर से हम देखिए इसे जोड़ देते हैं, 4 3 कितना हुआ, 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, 2 और 1 3, 3 3 6 और 6 4 10, तो यहां पे कितना आ गया, 10। तो ये संख्या 9 से कटता है क्या, तो नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। और ये था, इसे भी अब करके देखते हैं हम लोग कि ये संख्या को जोड़ते हैं सभी अंकों का योग, जोड़ दें क्या, तो जोड़ दीजिए, 6 और 7 13 और 13 और 5 होता है 18 18। तो ये 18 है जो 9 से कट जाता है, 9 × 18, इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य होगा। अगली संख्या देखते हैं, 4 3 7
चार तीन सात और एक आठ, मतलब चार एक पांच और पांच और तीन आठ। तो इसे अंकों का योग जब जोड़ दिए, सभी अंकों का योग जोड़े, तब ये आठ आया। ये संख्या नौ जो आया है, ये आठ जो आया है, ये नौ से विभाज्य नहीं है। अगला नंबर देखिए मित्र, यहां पे जरा देखते हैं, सभी अंकों को जोड़ देते हैं, दो एक तीन, तीन तीन छः, छः एक सात और सात और दो नौ। तो इसे अंक जोड़ने के बाद कितना आ रहा है मित्र, तो नाइन आ रहा है। तो नाइन नाइन से विभाज्य है, मतलब नौ नौ से विभाज्य है, इसलिए यह पूरे संख्या जो होगा वो नौ से विभाज्य होगा और ये नहीं था। इसे जोड़ के देखते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयत्न करते हैं। नौ नौ और चार कितना होता है, तेरह, तेरह दो कितना होता है, चौदह, पंद्रह, पंद्रह तीन कितना होता है मित्र, तो ये होता है आपका अठारह। इसलिए ये देखिए अठारह नौ से कट जाएगा, नौ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या नौ से क्या है, विभाज्य है। अब इसे जोड़कर देखते हैं हम लोग, तीन एक चार, पाँच चार नौ, नौ और दो कितना ग्यारह, और ग्यारह और सात अठारह, और अठारह और दो कितना बीस, जब जोड़ दिए तो बीस आया। तो ये नौ से नहीं कटता है, बीस नौ से कटता है क्या, नहीं कटा, इसलिए ये नौ से विभाज्य नहीं हो। इस संख्या को करेंगे, तीन और दो क्या हुआ, पाँच, पाँच पाँच दस, दस एक ग्यारह, ग्यारह और दो कितना होता है तो तेरह, तो इसे जोड़ने के बाद तेरह आया। ये नौ से कटता है क्या, नहीं कटता, इसलिए ये संख्या नौ से विभाज्य नहीं होगा। नौ से विभाज्य होने के लिए संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग नौ से विभाज्य होना चाहिए, तो वो नौ से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। यहां जरा देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, वन थ्री फोर फाइव सेवन, इसे चेक करना है, टू थ्री फोर फाइव और नाइन है, वन जीरो टू फोर फाइव सिक्स, इसे भी चेक करना है, टू जीरो थ्री फाइव जीरो फाइव फाइव, टू नाइन नाइन टू एक आठ, दो तीन पाँच सात आठ और चार, ये सब संख्या को चेक करना है कि नौ से विभाज्य है कि नहीं है। देखिए मित्र, हम लोग जानेंगे 11 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो अच्छी तरीका से पहले आप यहां पे समझिए, अगर कोई संख्या ले रहा, यदि कोई संख्या है और संख्या के एक छोड़कर एक अंकों का योग, एक छोड़कर एक अंकों का योग, योग का अंतर, अंतर जो आएगा या तो जीरो आए, या तो जीरो आए, या तो ग्यारह से ये कट जाए, 11 से विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या पूरे संख्या 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार समझिए जरा, अगर कोई संख्या रहा और उसका एक छोड़कर एक अंकों का योग और का अंतर लेंगे और अगर जीरो आए या 11 से कट जाए, तो वह अवश्य ही 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे हम देखिए क्या समझाना चाहते हैं, एक छोड़कर एक का मतलब, अगर यहां है ए, यहां है एक्स, यहां है बी, यहां है वाई, यहां सी और यहां है जेड, ये मेरे पास एक क्या है, संख्या है, एक छोड़कर एक, इसको लिए, इसको छोड़ें, इसको लिए, इसको छोड़ें और इसको लिए, तो एक छोड़कर एक अंकों का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये ले लिए। उसके बाद जो बचा हुआ है, तो ये एक छोड़कर एक अंक ले लिए हम, ये मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका अंतर, इसका देखिए अंतर, तो एक छोड़कर एक अंकों का योग का अंतर, एक एक छोड़कर एक अंकों का योग का अंतर, या तो जीरो आए, मतलब इसे हल करने के बाद या जीरो आए या 11 से कट जाए, तो वह अवश्य ही संख्या 11 से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं और आप अच्छी तरीका से इसे समझने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक छोड़कर एक अंक तो को जोड़ना है, तो एक प्लस आठ नौ, नौ चार कितना तो तेरह, और तेरह और नौ कितना होता है, तो ये होता है तेईस, तो यहां हो गया कितना सर, तेईस हो गया। अब जरा आगे देखिए मित्र, जीरो प्लस छह,
एक अंक को छोड़कर एक अंक को जोड़ना है, तो जीरो प्लस छह तो छह, छह और एक कितना हुआ सात, और सात और पांच कितना हुआ बारह। तो ये दोनों का हम अंतर लेंगे, माइनस करेंगे। अगर अंतर मेरा आ गया ये दोनों का अंतर, तो तेईस में से बारह घटा के आप देखिए, तेईस में से दो गया एक, और ये दो में से एक गया तो बचा एक। तो अंतर या तो जीरो आना चाहिए या तो ग्यारह से कटना चाहिए, तो ग्यारह तो ग्यारह से कट रहा है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य होगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, एक छोड़कर एक अंक, ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे और उसके बाद है ही नहीं है, तो दो तीन क्या हो गया मेरा, यहां देखिए फाइव हो गया। अब जो बचा सर, ये देखिए जीरो और फोर, तो जीरो और फोर क्या हो गया फोर, इसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो पांच में से चार गया तो कितना बचेगा वन बचा। तो क्या ये जीरो आया नहीं आया, क्या 11 से कटने वाली संख्या आया नहीं आया, तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं मित्र क्या है, एक छोड़कर एक अंक, इसे लिए पहले और ये सबको जोड़ेंगे, एक तीन चार, चार एक पांच, पांच और तीन आठ आया, तो यहां हो गया आठ। जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो बचा है दो चार छह, और छह और दो आठ, अब आठ और चार क्या हो गया बारह। अब इसका अंतर निकालेंगे, एक छोड़कर एक अंकों का अंतर, योग का अंतर, तो 12 में से 8 गया तो ये क्या बच गया मेरा 4। तो ये तो ना ही 0 आया और ना ही 11 से कटने वाली संख्या आया, इसलिए ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसे देखते हैं मित्र, 2 3 5, 5 और 1 6, तो यहां आ गया क्या मित्र 6 आ गया। उसके बाद यहां देखिए, तो यहां है 0 प्लस 9, तो ये हो गया आपका 9। इसका अंतर निकाल कर देखिए क्या आता है, क्या निकालेंगे अंतर, तो 9 में से 6 गया तो क्या बच गया 3 बचा, क्या बचा मित्र 3 बचा। तो ये ना ही 0 आया ना ही 11 से कटने वाली संख्या आया, इसलिए ये भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। अब इसे देखेंगे हम लोग, चार और आठ बारह, बारह और एक क्या हो गया 13। जरा ध्यान दीजिएगा, छह और एक सात, और यहां हो गया सात, और ये दोनों का अंतर निकालिए। अंतर निकालते हैं तो 13 में से सात जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा 6 बचेगा, इसलिए यहां 0 आया नहीं आया, 11 से कटने वाली संख्या आया नहीं आया, इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। 11 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है, एक अंक छोड़कर एक अंक, एक छोड़कर एक अंकों का योग का अंतर या तो 0 आए या तो 11 से कट जाए, तो वो 11 से क्या होगा विभाज्य होगा। हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और अभी ही वीडियो रोक कर आप कर लीजिए क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6 8 इसे आप करके चेक कर लीजिए। आपको एक अंक छोड़कर एक अंक को जोड़ना है उसके बाद घटाना है। यहां देखिए 0 5 6 7 8, 8 2 0 9 1 2। यहां देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ये सब क्वेश्चन आपको कर लेना है।